तो गाइस ये आप सामने देख रहे हैं ये जो मैं पहना हूँ ये सूता है और बेहद ही फेमस है ये छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गहनों के रूप में ये जबरदस्ती से लोग पहनते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ और बहुत ही रिजनेबल रेट पर यहाँ पर मिलता है। और ये है लच्छा, तो गाइस ये देख सकते हो ये तोड़ा है और अभी दुकान में नया नया आया हुआ है। तो गाइस ये है अंगूठी, छत्तीसगढ़ी में इसे बोलते हैं मुंदरी। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से मेरे चैनल चलबो छत्तीसगढ़ से। और दोस्तों मैं हूँ अभी गोल बाजार पर और ये बंजारी मंदिर का जगह है और यहाँ पर बेहद ही ज़बरदस्त आज माहौल लगने वाला है। और पूरे बाजार पर किस तरह से क्या सामान अभी मिलने वाला है मैं आपको दिखाऊंगा और पूरे मार्केट आपको मैं घुमाने वाला हूँ। तो करिए, चलिए करते दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। और कहीं जाइएगा मत, चैनल पर आज पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल करिएगा ताकि आपको मेरे चैनल पर बनने वाला सबसे पहला वीडियो मिलता रहे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आपको मैं पूरा गोल बाजार जो है वो घुमाता हूँ। और अभी अपन चल रहे हैं अमजद भाई ग्लिट वाले के पास और ये देख सकते हो बाजार यहाँ पर ज़बरदस्त सज गया है। मिट्टी के दिए, गोबर के दिए, फूल भी आप देख सकते हो दोस्तों मस्त। और ये है बंजारी माता जी का मंदिर। सुबह सुबह ही अगर आप यहाँ पर आकर के बाजार कर लेते हो तो बढ़िया है, बाद में ना इतना भीड़ हो जाता है कि पैर भी रखने का जगह नहीं मिलता है। ये देखिए अभी अपन पूरा जड़ी बूटी वाला जो एरिया है उधर घुस रहे हैं। और ये देखिए पूरा जड़ी बूटी वाला लाइन पे अभी अपन घुस चुके हैं और गुंबद के नीचे अपन चल रहे हैं। गुंबद के नीचे मिलेगा आपको छत्तीसगढ़ का पारंपरिक गहना और आभूषण। ये देखिए पूजा पाठ का पूरा सामान आपको ना इस रूट पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। देखो रंगोली से दुकान सजी हुई है। तो गाइस ये देखिए रंगोली से बाजार सज गया है। बढ़िया भी है, बढ़िया। हाँ दरोगा जी रंगोली वाले तो देख सकते हो दरोगा जी को। दुकान बढ़िया मस्त सजा है उनका। ये सलीम भाई रंगोली वाले, हाँ तो दुकान देख सकते हो, वीडियो बन रहा है। बढ़िया बढ़िया। ये देखिए लाइन से रंगोली वाला लाइन पे अपन घुस चुके हैं और ये अमजद भाई ग्लिट वाले का दुकान इधर आपको मैं दिखाता हूँ। और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ आज देखने को मिल रहा है बॉस। तो गाइस सामने आप देख पा रहे हैं ये अमजद भाई ग्लिट वाले जी का दुकान है और अंदर अपन चल रहे हैं अभी। और ये भाई हैं, क्या नाम है भी आपका? गोलू भाई को देख लो। और यहाँ पर आपको ना छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गहने देखने को मिलेंगे। कुछ ग्राहक भी हैं पारंपरिक गहने खरीद रहे हैं। और ये भैया से मिलिए, यहाँ के संस्थापक जी हैं, क्या नाम है भी आपका? अमजद भाई। यही है अमजद भाई जिन्हें आप पहचान रहे हो। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और एक बार फिर से बनाता हूँ, आप देखिए। और सामने आप देख सकते हैं बहुत सारे गहने आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या क्या गहने भैया के पास हैं। तो गाइस सामने आप देख रहे हो ये क्या चीज़ है भैया? ये ऐठी है क्या? हाँ तो गाइस ये देखिए ऐठी है ये। और सामने आप देख रहे हो ये करधन और यहाँ पर रिजनेबल रेट पर आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का सारे पारंपरिक गहने। भैया भी लाइन से दिखाते जाएंगे, देखिएगा आप। तो गाइस मेरे हाथ में सिक्का माला और अमजद भाई के यहाँ सारे पारंपरिक गहने आपको देखने को मिलेंगे। अभी लाइन से मैं थोड़ा रुक जाइए, कस्टमर बैठे हैं, उसके बाद में आपको ना पूरा सिक्का माला और जितने भी गहने हैं वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सिक्का माला है ज़बरदस्त है और अभी बहुत सारे गहने दिखाने बाकी हैं आपको। तो गाइस ये है अंगूठी, छत्तीसगढ़ी में इसे बोलते हैं मुंदरी, जिसे आप देख रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारे गहने मैं आपको दिखाऊँगा, कंटिन्यू देखते रहिए मेरे साथ वीडियो को दोस्तों। तो गाइस ये देख सकते हो ये तोड़ा है और अभी दुकान में नया नया आया हुआ है। तो आप जैसे पहनना चाहते तो इसको आप आकर के ले सकते हैं और गहने आपको दिखाता हूँ मैं। और गाइस ये देखिए ये है पौची, पौची देखिए इसको भी पैर में कंधे पर पहना जाता है, जिसे आपको दिखा रहा हूँ हाथ में, पैर में जहाँ पहनना चाहे वहाँ पहन सकते हो। ये है लच्छा, कितना मस्त दिख रहा है दोस्तों देखिए। और आप अपने पैर पे पहनेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त दिखेगा ये। तो गाइस ये आप सामने देख रहे हैं ना ये जो मैं पहना हूँ ये सूता है और बेहद ही फेमस है ये छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गहनों के रूप में ये ज़बरदस्ती से लोग पहनते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ और बहुत ही रिजनेबल रेट पर यहाँ पर मिलता है और पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़बरदस्त सस्ता और सुंदर और रिजनेबल रेट यहाँ पर मिलता है। दुकान के एड्रेस मैं आपको बताना चाहूँगा,
आप जैसे यहाँ पर आए हैं तो पेटी लाइन से सीधा अंदर घुस जाइएगा, गुंबद के नीचे आपको मिलेगा रंगोली लाइन है, रंगोली लाइन के ठीक सामने में आपको ये दुकान दिखेगा, छोटा सा है लेकिन सामान बहुत सारे रखते हैं, और गुंबद के ठीक नीचे में अमजद भाई ग्लिट वाले करके दुकान का नाम है। तो आप यहाँ पर आइएगा और इस तरह से पारंपरिक गहने जो हैं छत्तीसगढ़ के वो सारे आप खरीद सकते हैं। तो गाइस सामने आप देख सकते हैं और बेहद ही ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ बढ़ा हुआ है, और तो इस बाजू में भी एक और दुकान आप देख पा रहे हैं, और ओनली 50 रुपीज़ में आप देख सकते हैं। और ये सामने आप कड़ा देख सकते हैं दोस्तों, कड़ा भी 100 रुपये जोड़ी में आपको कड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके ओके ओके, और भैया थोड़ा आता हूँ आगे से, चलबो छत्तीसगढ़ यूट्यूब चलबो छत्तीसगढ़। हाँ तो गाइस सामने आप देख सकते हैं ये भी ग्लिट वाला है ना दुकान पूरा। तो गाइस एक और शॉप में अपन आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूरे पारंपरिक गहने ग्लिट वाला, और ये आप सामने देख सकते हैं खिनवा माला जो आप देख पा रहे हो दोस्तों, और दुकान का नाम क्या है? नाम है अमजद भाई ग्लिट वाले टू। अच्छा अमजद भाई ग्लिट वाले टू। गाइस यहाँ से चूड़ी लाइन स्टार्ट हो जाता है, ये देखिए भाई को देखिए कितना मस्त यहाँ पर चूड़ी वगैरह बेच रहे हैं। तो गाइस ये चूड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़बरदस्त यहाँ पर चूड़ी मिलने का दुकान है, और आइए आगे आपको मैं लेकर के चलता हूँ अंदर, और बेहद ही ज़बरदस्त यहाँ पर चूड़ी आपको देखने को मिलेगा। और मैं छोटी पतली सी गली है लेकिन भीड़ यहाँ पर आप देखोगे ना काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। तो ये आगे अपन चलते जाते हैं और चूड़ियों का यहाँ पर आपको शॉप में दिखाता हूँ, पूरे लाइन से आप देखेंगे तो चूड़ियाँ हैं वो सामने देखिए, चूड़ी ही चूड़ी आपको। तो गाइस ये देख सकते हैं गोल बाजार में आप देखिए लाख की चूड़ियाँ आप खरीद सकते हैं यहाँ पर, नग वगैरह जिसे आप देख रहे हो दोस्तों। तो गाइस मार्केट के अंदर में और देखिए किस तरह से यहाँ पर चूड़ियाँ पहनाई जाती है। क्या नाम है खाला आपका? हाँ अच्छा, तो कितने साल से चूड़ियाँ वगैरह आप पहना रहे हैं? 40-50 साल से हो गया, और दुकान कितने साल से चल रहा है यहाँ पे? अच्छा तो यहीं पर आपको फैंसी स्टोर भी आपको देखने को मिलेगा, ब्राइडल ज्वेलरी वगैरह भी आप यहां से खरीद सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको शॉप यहां पर देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी मैं गोल बाजार की चूड़ी लाइन में हूं, और देख सकते हो कितना विशाल का यहां पर मार्केट लगा हुआ है, भाई का दुकान आप देख सकते हो। क्या नाम है दुकान का आपका? मायरा फैंसी। मायरा फैंसी, मायरा फैंसी। तो कितने साल से दुकान आप चला रहे हैं? ये कम से कम मैं तो 20 साल हो गए चलाते हैं। अच्छा, किसी को यहाँ पहने कैसे आएंगे? बहुत दिक्कत से आएंगे। एड्रेस बताओ ना। गोल बाजार गोल गुम्बद चूड़ी के नीचे, देखिए चूड़ी के नीचे गुम्बद के नीचे। अभी मैं खड़ा हूँ चूड़ी लाइन में, और यहाँ पे आने किसी को कैसे आएंगे? आएंगे धीरे धीरे करके आएंगे, चार रास्ता है। अच्छा, चार रास्ता है, चीनी मिशी दुकान है, जैसा मेरा मिले। दुकान का नाम पूछो? क्या नाम है? डायना दादा का जबरदस्ती का, डायना दादा का जबरदस्ती फैंसी स्टोर, जबरदस्ती फैंसी स्टोर। नहीं जब आजा उधर। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगा, छोटा सा यहाँ पर लाइन है, और दोनों तरफ आजू बाजू आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरह से दुकानें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिए। और आपको यहाँ पर कस्टमर ही कस्टमर देखने को मिलेंगे दोस्तों, त्यौहार का सीजन है तो और ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सामने आप आके आते जाएंगे ना तो आपको भीड़ देखिए किस तरह से भीड़ देख पा रहे हो आप। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ, अभी मैं गोल बाजार के हूँ लोहा लाइन पर, और यहाँ पर लोहा लंकड़ वाला पूरा सामान आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपको चाबी बनवाना है तो आप पीछे देख सकते हो चाबी वगैरह बनवा सकते हो। तो चलिए आपको टूर करवाता हूँ मैं यहाँ का। क्या बना रहे हो चाचा? अच्छा चाबी वगैरह भी बनाते हैं क्या? अच्छा तो जगह का क्या नाम है? लोहा लाइन ना, लोहा लाइन है। अच्छा ये देख सकते हो, और आगे आपको मैं ले करके चलता हूँ, आपको दुकान और फोटो फ्रेमिंग वगैरह का दुकान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरा ज़बरदस्त यहाँ पर लोहा का जो लाइन है वो देखने को मिल रहा है। तो अंदर देख सकते हो आप किस तरह से मस्त धार वगैरह लगाया जा रहा है। तो गाइस ये देख सकते हैं अपन आ गए हैं अभी काफ़ी पुस्तक वाली लाइन पर, और धनतेरस के उपलक्ष्य पर आप देख सकते हो खाता बही वगैरह जो है वो यहाँ पर बिक रहा है। और रोज आज के दिन ना एक हो गया रामनवमी, और एक हो गया धनतेरस, एक हो गया लक्ष्मी पूजा, तो इस समय इस तरह का चीज़ें लोग खरीदते हैं। भाई सभी अपन पहुंच चुके हैं कपड़ा लाइन में, और इधर पूरी तरह से आप देखोगे ना तो भीड़ आज बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। और ये कपड़ा लाइन है दोस्तों, देखिए इस तरफ भी आप देखेंगे तो भीड़ ज़बरदस्त है।
ये देखिए। और यहाँ पर ना आज धनतेरस की वजह से पैर रखने के लिए भी जगह आपको मुश्किल है रखना। तो पूरा एक राउंड में गोल गोल घूम गया हूँ यहाँ पर गोल बाजार में। और आप देख सकते हैं मार्केट में भीड़ देखिए दोस्तों। अभी तो अपन मेन रोड पे नहीं गए हैं, मेन मालवी रोड पर जाएंगे ना तो और भीड़ दिखेगा। और ये देख सकते हो शूज़ वगैरह यहाँ पर मिल रहा है। और देखिए कपड़ों का यहाँ पर विशाल भंडार आपको देखने को मिलेगा। और सभी दुकानों पर ज़बरदस्त भीड़ है, ठसाठस भरा हुआ है भीड़। तो गाइस अब धीरे धीरे अपन निकल रहे हैं फ़ोटो फ्रेमिंग वाले लाइन पर। और यहाँ पर आपको फ़ोटो फ्रेमिंग वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। देखिए फ़ोटो फ्रेमिंग का लाइन है ये दुकान को, इस तरह से दुकानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और आगे आप देखते जाएंगे ना तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ते जाएगा और सकरा होते जाएगा रोड, और पैर रखने तक के लिए यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगा। तो गाइस ये देख सकते हो कैसा ज़बरदस्त मार्केट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उधर आप जाएंगे ना तो वो पड़ेगा उधर पूरा सोने चांदी का लाइन है, और वहाँ से सदर मार्केट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अपन आगे चलते जाते हैं और भीड़ का मज़ा लीजिए गाइस। तो गाइस ये अपन आ गए हैं बर्तन वाले लाइन पर, और आज धनतेरस है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ खरीद लूँ। आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए हाँ। तो गाइस हमारे सब्सक्राइबर भाई यहाँ पर मिल गए हैं, क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान, तो ईशान को देख सकते हो, कितने साल से देख रहे हो वीडियो? मैं 2 साल हो गया। 2 साल से वीडियो देख रहे हैं, काफी अच्छा बच्चा है। क्या करने आए थे यहाँ पे? हम शॉपिंग करने आए थे। तो वीडियो को देखकर भाई आए हुए हैं मुझे पहचाने, और फिर दिवाली की शॉपिंग करने आए हुए हैं। तो सब्सक्राइबर करने को बोलोगे गाइस? मेरे को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, फॉलोअर्स बढ़ाओ। ओके सो गाइस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और आज चैनल पर आज पहली बार है तो मैं हूँ गिरधर, मेरे चैनल का नाम है सरगोर छत्तीसगढ़। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, इसी तरह के बेल नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे दोस्तों। सो गाइस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पर समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। और आज वीडियो के माध्यम से आज मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ गिरधर, और मेरे चैनल का नाम है चलबो छत्तीसगढ़। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल करिएगा, ताकि कुछ इसी तरह की आपको नोटिफिकेशन जो है वो आते रहेगा दोस्तों।